एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर एग्जांपल ये है कि हम चूज का इस्तेमाल करके एक साथ मल्टीपल वी लुकअप भी लगा जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये एक बहुत बड़ा डेटा सेट है और इसमें से मैं कुछ वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हम वी लुकअप जैसे जो कि लेफ़्ट टू राइट नहीं जा सकता, लेकिन चूज़ फंक्शन से हम उसे लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल के लिए ऑर्डर आईडी से पहले ऑर्डर डेट है। अब देखिए ऑर्डर आईडी यहाँ पर पहले है और डेट बाद में है, लेकिन टेबल में वो डेट पहले है। तो ये जो है या तो इंडेक्स मैच से निकलेगा या फिर एक्स लुकअप से निकलेगा, वी लुकअप से ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि वी लुकअप जो है लेफ़्ट टू राइट चलता है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो या तो वी लुकअप इंडेक्स मैच से निकलेगा या फिर एक्स लुकअप से निकलेगा, लेकिन वी लुकअप से ये पॉसिबल नहीं है कि वी लुकअप टेक्निकली लेफ़्ट टू राइट ही चलता है, राइट टू लेफ्ट नहीं चलता है। लेकिन हम चूज़ फंक्शन को इसमें कंबाइन कर लें तो इसके पास वो मैजिक आ सकता है जो ये राइट टू लेफ़्ट भी चल सकता है। तो इसे हम देखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर वी लुकअप लिखूँ, अब जो टेबल है उस टेबल की जगह मैं चूज़ फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, और जैसे अभी हमने यूज़ किया, हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके एक इंडेक्स मैच नंबर की जगह दोनों वैल्यू ले ली हैं। अब एक सीरीज़ बना ली है, पहली वैल्यू पहले दूसरी वैल्यू बाद में। तो पहली वैल्यू कौन सी है, तो पहली वैल्यू मैं इसको ये पूरी रेंज दे दूँगा जिसमें मेरी ऑर्डर आईडी है, और जो दूसरी वैल्यू है उसकी जगह पर मैं ये डेट दे दूँगा। और अब ये हमारा चूज़ फार्मूला क्लोज हो गया। तो यानी कि पहली वैल्यू बाद वाली वैल्यू को मैंने पहले कर दिया, पहले वाली वैल्यू को मैंने बाद में कर दिया, और चूज़ ये कन्वर्ट कर देगा और हम टेक्निकली, मुझे आंसर चाहिए टू, तो ये टेक्निकली चलेगा तो लेफ़्ट टू राइट ही, लेकिन डिस्प्ले होगा ऐसे कि ये राइट टू लेफ़्ट चला है। तो मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ तो आप देखिए कि ये वी लुकअप ने अपोजिट रिजल्ट निकाल दिया हमारे लिए।